अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मरियम अली। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मरियम्स कुकिंग। आज हम बनाएंगे भरे हुए दाल करेले। तो चले देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में जो है वो ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड पे मैंने करेले जो है वो अच्छे से छील के इसको इस तरह से कट लगा लिया, और इसको नमक लगा के रख दिया था। आधे घंटे बाद मैंने इसको वॉश करके अच्छे से निचोड़ लिया था, ताकि अगर कोई भी कड़वा पानी है तो वो निकल जाए। अब ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है, तो हम अपने ये करेले जो है वो ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। सो करेले जो है वो हमने ऑयल के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से हिलाती हूँ। इन बिटवीन हम इसको हिलाते रहेंगे और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे, ताकि सारी साइड्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर जो है वो देना। अभी देखें जिस तरह से ये वाला जो है ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। जो होते जाएंगे वो मैं अब निकालती जाऊंगी। इस तरह से जब ये कलर हो जाए तो आप करेले जो है वो निकाल लें। ये मेरे सारे जो हैं वो इस तरह से फ्राई हो गए हैं। ये करेले के छिलके हैं, इसको भी मैंने अच्छे से नमक लगा के रख दिया था, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। और अच्छे से निचोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि कड़वा पानी जो है वो निकल जाए। अब मैं इसको भी फ्राई करूंगी। मैंने ऑयल जो है वो कम कर लिया था। जब ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब हमने प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होता है, हम अपनी दाल प्रिपेयर कर लेते हैं। दाल मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। इसको वॉश कर लिया है। इस मशीन के अंदर हम इसको क्रश करेंगे, ठीक है। इसको पेस्ट नहीं बनाना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं डालूंगी और इस तरह से ये इस तरह से क्रश होगी इसके अंदर, और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो समझ लें कि मज़ीद बारीक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करने हैं आपने, ठीक है। ग्राइंडर में पेस्ट नहीं बनाना। प्याज जो हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ रेड मिर्च, दादरी मिर्च, नमक, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया। आप जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे मसाले ऐड करते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सब मसालों को, और मसालों को जो है वो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, उसकी वजह से प्याज अजीब सा मलेदा सा हो जाएगा। सो अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, और बाकी जो है वो मैंने बचा ली हैं, बाद में ऐड करूंगी। अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाले भुन गए हैं तो हम अपनी क्रश की हुई दाल इसके अंदर ऐड करेंगे। ये फुल है, इतनी क्वांटिटी मांगी है। ये दाल हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम भूनेंगे। थोड़ी सी भूनने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। अगर आपके टमाटर छोटे हैं तो 3 से 4 साइज जो है वो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स किया है, अब हम इसको दाल को अच्छे से भूनेंगे। और इसमें ऑयल अगर आपको इस पॉइंट पे कम लगे तो आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दाल जो है वो बार बार नीचे लगेगी। तो आप इसमें अगर ऑयल कम लग रहा है तो इस पॉइंट पे ऐड करें। ये देखें इस तरह से ये नीचे लगेगी। आपने इसको साथ साथ हिलाते रहना है, और जो है वो चमचा जो है आपने रोकना नहीं है, चमचा चलाते रहना है। अब जो है इस पॉइंट पे जो बाकी सब्ज़ मिर्चें बची हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब दाल जो है हमारी भुन गई है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। मैं ये एक बड़ा डब्बा जो है वो पानी का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ पानी, ताकि अच्छे से सारी यकजान हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि दाल कुक हो जाए। अच्छा, इन बिटवीन आपने बार बार जो है वो कवर रिमूव करके दाल को हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप दाल को हिलाएंगे नहीं तो दाल नीचे लग जाएगी और सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे जो है वो मैं अपने करेले, जो कटे हुए करेले थे, वो मैं ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मैं मज़ीद अच्छे से भूनूंगी, और जो बाकी के करेले हैं जो मैंने इस तरह से काटे थे, इनको मैं भरूंगी। दाल हमारी भुन गई है, ऑयल इसने छोड़ दिया है, पानी जो है वो ड्राई हो गया अच्छे से। तो अब हम इसको निकालेंगे और करेले भरेंगे। करेले जो है वो मैंने भर लिए हैं इस तरह से, और इसको धागे के साथ रैप कर दिया। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। सो हियर वी गो। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसको ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट के लिए दम के लिए रखूँगी। मज़ेदार भरे हुए दाल करेले इज़ रेडी। बहुत मज़े के बनते हैं, सुपर डिलीशियस टेस्ट होता है। ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल न्यू स्टाइल में है। और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। अल्लाह हाफिज़।